हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे आप लोग नोटिफिकेशन का कि कब पब्लिक नोटिस रिलीज किया जाए एनटीए की साइड से कि कब आपका पेपर हो रहा है सीएसआई नेट के लिए। सो ये नोटिस जारी कर दिया गया है एग्जैक्टली ऑन 1 मई। हाँ जी स्टूडेंट्स, 1 मई को आपका नोटिस रिलीज कर दिया गया है कि आपका पेपर कब होने वाला है, किस मोड में होगा और किस टाइम से आपके फॉर्म रिलीज हो रहे हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स 1 मई से आपके रिलीज हो जाएंगे। 1 मई से लेके 21 मई तक आप लोग अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सीएसआर नेट के लिए। एंड इसके साथ साथ अगर आप पेमेंट की बात करो तो उसके लिए आपको 22 मई से लेके 23 मई तक अप टू 11:50 PM आप उसको फिल कर सकते हो, अपनी फीस पे कर सकते हो। और सबसे मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम रहेगा इस बार 25th, 26th and 27th of June। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीएसआर नेट के अंदर आपके ये सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल और फिजिकल साइंस। सो इन सभी 5 पेपर्स के एग्ज़ाम आपके इन पर्टिकुलर 3 डेट्स पे होने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट ऑर्डर वही रहता है, पर फिर भी आप मान के चलें कि हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन के बाद भी, बट इन 3 डेट्स में, चाहे वो आपका केमिकल साइंस का एग्ज़ाम हो, चाहे मैथमेटिकल, चाहे फिजिकल, तो वो आपका एग्ज़ाम इन 3 डेट्स के अंदर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अब की बार क्योंकि यूजीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि पेपर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में होगा ओएमआर शीट में, लेकिन इधर अगर हम बात करें सीएसआर नेट के लिए तो आपका पेपर कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। यस स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज है कि यूजीसी का पेपर आपका ऑफलाइन हो रहा है, लेकिन आपका सीएसआर नेट का पेपर ऑनलाइन मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में ही होगा। सो जो स्टूडेंट सोच रहे थे कि सीएसआर नेट भी आपका एग्ज़ाम सिर्फ ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है, ये ऑनलाइन मोड में ही आपका एग्ज़ाम हो रहा है। सो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड एज यूजुअल आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और बाई लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास अवेलेबल होगा। डिटेल्स के लिए आप बुलेटिन भी यूज़ कर सकते हो, बुलेटिन में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दी गई है। और मेन मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी कि 1 मई से, मतलब कि आज से आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 21 मई तक आपको अप्लाई करना है और आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 25, 26 और 27 जून को होने वाला है, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप बात करो कि क्या कुछ एनी फर्दर चेंज जो कि आपके एनटीए ने इस बार कराए हैं, तो हाँ जी स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस हैं जो एनटीए ने इस बार कराए हैं, जो कि मैं आपको डायरेक्ट बता दे दूँ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मैं आपको बताऊंगी तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, वो भी आप चेक कर सकते हो, एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सबसे पहली चीज़, अब की बार स्टूडेंट्स 3 कैटेगरीज डिवाइड करी गई है। 3 कैटेगरीज किस वे में, मतलब पहले क्या होता था, पहले आपका एलिजिबिलिटी या तो नेट के लिए या फिर होती थी आपकी JRF। अब की बार स्टूडेंट्स आप लोगों की 2 कैटेगरी नहीं है, अब की बार आपकी 3 कैटेगरीज बनाई गई है। 3 कैटेगरी इन द सेंस, फर्स्ट कैटेगरी जो कि आपकी JRF की होगी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सेकंड कैटेगरी जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड साथ साथ में आपका PhD भी आप ट्राई कर सकते हो, आपका नेट क्वालिफाइड होगा। थर्ड कैटेगरी है सिर्फ और सिर्फ ओनली PhD के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अब की बार गवर्नमेंट ने या NTA ने, हम बोल सकते हैं कि आपका रूल आया है कि PhD के लिए कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी, सिर्फ और सिर्फ आपका जो नेट का एग्ज़ाम है इसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा। तो आपकी 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। 1 कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ ओनली PhD एडमिशन के लिए अप्लीकेबल है, इसमें आपको JRF या फेलोशिप की अगर आप बात करो तो सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 में मिलेगी। सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स,
सेकंड कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यस, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, लेकिन फेलोशिप की बात हम नहीं कर सकते। एंड थर्ड कैटेगरी में आप सिर्फ पीएचडी के लिए, एक पीएचडी डिग्री अगर किसी को करनी है तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर हम चेंजेस की बात करें, सेकेंड चेंज जो एनटीए ने किया है, अब की बार फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन रखा गया है कंपेरेटिवली। जनरल के लिए अप्रोक्स 1100 समथिंग है, मे बी 50, एंड EWS के लिए भी, मतलब थोड़ा सा फीस का स्ट्रक्चर डाउन आया है। एंड इसके अलावा अगर थर्ड चेंज की मैं बात करूँ, एज लिमिट। सो स्टूडेंट्स, एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, पहले JRF के लिए आपकी जो एज लिमिट थी वो थी आपकी 28 ईयर्स, आपकी बार जो कि NTA ने चेंज करके ये एज कर दी है आपकी 30 ईयर्स। सो इन केस आप सोच रहे थे कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे या JRF के लिए क्वालिफाई नहीं होगी, सो अगर आप 30 एज के अंडर हैं तो ऑब्वियसली आप JRF के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो डोंट जस्ट लॉस योर होप, जस्ट कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, मैंने शॉर्ट में और सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट्स, ये तीन बड़े चेंजेस हैं जो कि NTA ने इस बार किए हैं। आपकी एज लिमिट JRF के लिए बढ़ा दी गई है। अगर इन केस आप PhD के लिए बात करो कि PhD के लिए आपकी एज लिमिट क्या है, तो उसके लिए आपके लिए पास कोई एज लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, JRF के लिए आपके पास एज लिमिट है, ठीक है। सो आप एज लिमिट का फैक्टर या फीस का स्ट्रक्चर या फिर तीन कैटेगरीज जो कि सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस है आपकी बार, क्योंकि सिर्फ PhD के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो, तो इस वजह से तीसरी कैटेगरी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि आप PhD में एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी में आपको फेलोशिप मिलेगी जिसमें आपका JRF क्वालिफाई होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी में आप PhD कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। एंड थर्ड कैटेगरी में आप सिर्फ PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये था आपकी एग्जाम डेट्स, 25th, 26th एंड 27 जून ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 मई से लेके 21 मई तक फिल कर सकते हो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप NTA की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। आज ही, मतलब कि 1 मई को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो बुलेटिन भी आप चेक कर सकते हो, और ये पब्लिक नोटिस आपका रिलीज कर दिया गया है। सो सभी स्टूडेंट्स जाके चेक करें, जल्दी से अपना फॉर्म फिल करें और अपने एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू करें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।